नमस्कार, मैं दिव्यांशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 369 हासिल करने वाले नरेंद्र कुमार जी। स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए। हमें बहुत खुशी है सर फॉर कंसेंटिंग फॉर दिस वंडरफुल टॉक दैट वी आर गोइंग टू हैव। और मैं सभी को नरेंद्र जी के बारे में बता दूं तो ही इज ऑलरेडी एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। ही इज करंटली पोस्टेड इन झारखंड काडर और नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम आईएएस। सर शुरुआत इसी से करेंगे, पांच पांच अटेम्प्ट्स की जर्नी रही आपकी, ये जो जर्नी है हम चाहते हैं आप हमें बताएं। 2012 में जब मैंने कॉलेज से पास आउट हुआ, मैं आईआईटी कानपुर से, तो पास आउट होने के बाद मैं ऑब्वियसली जैसे सबका ड्रीम होता है तो वही जॉब करना मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे आई थिंक यूपीएससी का सोचा नहीं था, बट जॉब करने के बाद में व्हेन आई स्टार्टेड थोड़ा सा कि सेचुरेशन आ रहा है और कुछ नया करना चाहिए, तो कुछ मीनिंगफुल करने का मन किया। तो यूपीएससी की जर्नी फाइनली स्टार्ट करने का मन हुआ और 2016 में मैंने पहली बार यूपीएससी में एंटर किया। उस बार पहली बार में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ 2016 में, और अगले साल फिर से ट्राई किया तो 2017 में मुझे इंटरव्यू कॉल्स आए फॉरेस्ट सर्विस का भी और सिविल सर्विस का भी। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था फॉरेस्ट सर्विस में एंड फॉर्चुनेटली उसी साल मेरा सिलेक्शन हो गया फॉरेस्ट सर्विस में। तो मैं 2018 बैच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हूँ मैं। लेकिन बिकॉज शुरुआत करी थी आईएएस के गोल से तो कभी रुकने का मन नहीं किया। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी परेशानी भी हुई क्योंकि जॉब के साथ टाइम निकालना, तैयारी करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए शायद टाइम लग गया, बट अल्टीमेटली गोल क्लियर था तो लगा रहा और फाइनली पांचवें प्रयास में जाके इस बार सफल हुआ हूँ। सर आपने भी अभी जैसे मेंशन किया कि आप आपकी जो जॉब थी वो काफी हेक्टिक थी। आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं तो हम सभी को पता है कि हाउ मच डिमांडिंग एंड कमिटमेंट इट रिक्वायर्स। किस तरीके से आप मैनेज करते थे अपने समय को, अपने पढ़ाई को, अपने जॉब के साथ? आई थिंक इसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सपोर्ट विच आई गॉट फ्रॉम माई सीनियर्स इन द सर्विस ऑल्सो, दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेन उनको पता था कि मुझे अल्टीमेटली ट्राई करना है और मेरे पास अटेम्प्ट भी है, एज भी है, तो दे वर ऑलवेज सपोर्टिव एंड दे वर लाइक कि जितना आपको रिक्वायर्ड है टाइम देना उतना ही आप टाइम दीजिए, बाकी यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज। सेकेंडली मैं बोलूंगा आई थिंक फॉरेस्ट सर्विस इन इट सेल्फ इज सच अ ब्यूटिफुल सर्विस की जो मेरा वर्क एनवायरमेंट है, लाइक पीपल घूमने के लिए लोग जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। सो आई थिंक वो जो नेचुरल एनवायरमेंट आपको पॉजिटिविटी देता है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है और बहुत ही ज्यादा कामिंग होता है कि आप फोकस कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पे, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता नेचर के बीच में रह के। और उन सब की वजह से क्या हुआ कि जितना भी टाइम मुझे मिलता था अपने ऑफिस आवर्स के बाद में या कभी, बिकॉज आपको पता होगा कि ऑल इंडिया सर्विस है तो कोई टाइमिंग तो फिक्स होता नहीं है, बट अपने कमिटमेंट्स के बाद जितना भी टाइम मुझे मिलता था आई ट्राइड टू फोकस पूरी तरीके से। आई ट्राइड कि और कहीं टाइम वेस्ट ना हो, मेरा सोशल कमिटमेंट्स अपने मिनिमम रखे जाएं जिससे कि जो टाइम बचा है उसमें अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाए। सर आपने जिस तरीके से अपने वर्क लाइफ स्टडी बैलेंस को बताया बहुत लोगों के लिए एग्जेम्पलरी रहेगा। What was the driving force? क्योंकि हम कई बार देखते हैं when you are into such amazing, beautiful journey, but still what kept you going for IAS? Although आपने ये mention किया कि शुरुआत IAS के goal से की थी, but somewhere you landed up in a very beautiful service. जब मैं स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली आईएएस का गोल था, और जो आईएएस का गोल था वो आई थिंक बहुत ही क्लीशेड ये बात होगी अगर मैं बोलूंगा तो, बट स्टिल मैं आई नो व्हेन आई एम स्पीकिंग दैट दिस इज ट्रू कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर कोई पावर या प्रेस्टीज का एक मोटिवेशन नहीं था। मोटिवेशन ये था कि मैं अपनी जो कॉर्पोरेट लाइफ थी उससे थोड़ा सेचुरेटेड था एंड मुझे लगता था कि जो मेरी लाइफ में मैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो बहुत ही मिनिमम है, और मैं चाहता था कि मेरा जो इम्पैक्ट है, मेरा जो लाइफ का जो मैं काम कर रहा हूँ वो मीनिंगफुल हो और लोग ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए, तो वो मेरा पहला मोटिवेशन था। और फॉरेस्ट सर्विस में आने के बाद में वो काफी हद तक वो पूरा हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो डोमेन था वो अभी भी थोड़ा कम था एज कम्पेयर टू आईएएस। तो जो मेन गोल था वो ये था कि जो मेरा काम का इम्पैक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मैं सर्विस कर पाऊं, जो ओरिजिनल मेरा एम था। तो इसलिए मुझे कभी इस बात में डाउट नहीं हुआ कि मुझे रुकना है, मुझे ये था कि अभी भी जर्नी जो है आधी हुई है और उस जर्नी को कम्प्लीट करना बाकी है। और फाइनली आज वो जर्नी कम्प्लीट भी हो गई आईएएस के फाइनली एलोकेशन से। सर अगर ये पांच अटेम्प्ट की जर्नी की मैं बात करूं तो आपने क्या सीखा, क्या आपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाए इस पांचवें अटेम्प्ट में? इन पांच अटेम्प्ट में मैंने बस यही सीखा है कि यूपीएससी की जर्नी आई थिंक
डिफिकल्ट तो है डेफिनेटली, इतना आसान नहीं मुझे करना चाहिए उसको बिकॉज मैं अब आईएएस बन गया हूँ तो, बट आई थिंक काफी हद तक ये मैं बोलूंगा कि 80% इज प्लानिंग एंड 20% इज एग्जीक्यूशन, कि आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शायद मेरे में कहीं ना कहीं लैकिंग थी बिकॉज मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया एंड मैं कभी भी करोल बाग नहीं रहा, मैंने कोई कोचिंग जीएस के लिए कभी नहीं करी, मैं करोल बाग और राजेंद्र नगर में कभी रहा नहीं, तो ना मेरे पास वो लोग थे जो मुझे बता पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ना ही वो मेरे पास एटमोसफेयर था कोचिंग का या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उसकी वजह से शायद मुझे टाइम लगा अपनी मंजिल तक पहुंचने में। तो जो 5 अटेम्प्ट थे उनमें डिफरेंट अगर मैंने किया तो हर अटेम्प्ट में मैंने सीखा अपनी गलतियों से कि पिछली बार मैंने क्या गलत किया था, उनको कैसे हटाया जाए, उन गलतियों को कैसे एलिमिनेट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज जॉब में था, टाइम बहुत नहीं था, तो हर बार मैं आंसर राइटिंग को बहुत कम फोकस करता था बिकॉज हर बार मेरा मेंस कॉल था, हर बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है, तो मुझे लगता था कि मैं वहां तक पहुंच ही रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं वो शायद सुधर जाएंगी तो मैं पहुंच जाऊंगा। बट इस बार मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको क्या आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी आंसर कॉपी में क्या लिख के आते हैं उससे फर्क पड़ता है एंड आप कैसे लिख के आते हैं। सो आई थिंक जो अगर मैं किसी एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं बट अगर किसी एक चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ तो आंसर राइटिंग विल बी द सिंगल बिगेस्ट थिंग जिसकी वजह से मैं पहले लिस्ट में कभी आ भी नहीं पाया। आई थिंक ये भी आई थिंक मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विस की जर्नी में, फॉरेस्ट सर्विस में आई गॉट इनटू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट सिविल सर्विस की जर्नी में मेरे 5वां अटेम्प्ट था एंड आई हैड 0 सिलेक्शंस, आई वाज नेवर इन द लिस्ट, जबकि मैंने इंटरव्यूज आई हैड अपीयर्ड इन 3 इंटरव्यूज इससे पहले लेकिन मेरा 0 सिलेक्शन था। तो जो सिंगल चीज चेंज हुई वो आई थिंक यही थी कि मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया और उसने मुझे पे भी किया है। सर, आपने मेंशन किया कि आप जब कॉरपोरेट सेक्टर छोड़ के आए तो आपके पास वो गाइडेंस नहीं था जो आपको हेल्प कर सकें कि किस तरीके से प्लानिंग होनी है, बट आज आप हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों के एक रोल मॉडल हैं, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो जो आपने 80% प्लानिंग का जो महत्व बताया है, मैं चाहती हूँ जो प्लानिंग आपने की, आपने समझा, और जो रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन में, उसको आप जरा थोड़ा डिटेल में समझा सकें। डेफिनेटली जो मैं प्लानिंग की बात कर रहा था वो मेरा अपना एक खुद का मंत्र है कि मुझे लगता है कि आपको गोल कोई भी अचीव करना है तो आप पहले उसकी पूरी तरह से प्लानिंग कर लीजिए, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट कि वो गोल क्या है, उसके अंदर डिफिकल्टीज क्या क्या आने वाली हैं। आपको अगर मैं कहना चाहूँ तो इट इज जस्ट लाइक अ वॉर कि आपको एक लड़ाई की तैयारी करनी है, तो लड़ाई की तैयारी करने से पहले यू शुड नो एवरीथिंग बिफोर गोइंग इन टू द बैटल फील्ड, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ओपोनेंट क्यों है, क्या है, कौन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, आपके पास अपने रिसोर्सेस क्या है, आपकी सिचुएशन कैसी है, तो उस केस में आती है प्लानिंग। अगर आपने उतना सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया है तो आप उसे एग्जीक्यूट बड़े आराम से कर लेंगे। तो जो प्लानिंग की बात मैं कर रहा हूँ वहां पे यही है कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल बात करें रिसोर्सेज की, हर कोई आई थिंक टॉपर ये बोलता है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, दे शुड बी स्टैंडर्ड बट दे शुड बी लिमिटेड एज वेल। ये नहीं करना है कि जो भी नया मार्केट में आ रहा है तो आप उसके पीछे भागेंगे, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। सेकेंडली आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर मैंने ये रिसोर्स पढ़ा है देन इट इज इनफ। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रिलिम्स की बात करें तो प्रिलिम्स मैंने अभी भी देखा है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं कि वो टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, उनको लगता है कि हम सिर्फ बुक्स पढ़ते रहे, जितना होगा हम अपनी नॉलेज पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, न्यूज एनालिसिस पढ़ेंगे, बट दे डू नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग टेस्ट, मॉक टेस्ट, बिकॉज हो क्या रहा है प्रिलिम्स में, बाय द टाइम धीरे धीरे करके जो प्रिलिम्स है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, रैंडम होता जा रहा है, तो उसके लिए आपको हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हर इवेंचुअलिटी के लिए आप प्रिपेयर कैसे करेंगे जब आप हर तरीके के टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। पहली बार में मेरा प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड सेकेंड टाइम आई क्लियर द फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ ऑफ प्रिलिम्स व्हिच आई थिंक एस्पिरेंट विल बी नोइंग कि 15-20 नंबर ज्यादा होता है सिविल सर्विस से, एंड आफ्टर दैट मेरा हर साल का जो प्रिलिम्स है वो फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ मैंने बड़े आराम से क्लियर किया है। उसका जो सिंगल मोस्ट रीजन था वो यही था कि मैं टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता था। तो जैसे प्लानिंग का सेकंड पार्ट हुआ, अगर मैं प्रिलिम्स की बात करूं तो वो हो गया मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट को इंपॉर्टेंस देना। तीसरा अगर हम मेंस की बात करें तो आंसर राइटिंग और अपना आंसर को बाकी लोगों से डिफरेंट करना, आंसर सब लिख के आ रहे हैं, आई थिंक जितना भी वहां पे लोग मेंस जो लिखने के लिए बैठते हैं ऑल ऑफ देम आर हैविंग नॉलेज सफिशियंट डेटा, बट हाउ यू रिप्रेजेंट योर डेटा और योर नॉलेज दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आंसर किसी और से डिफरेंट होना चाहिए, आई थिंक इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं भी एग्जामिनर हूं और मैं अगर दिन में 50 कॉपीज चेक कर रहा हूँ तो अगर मुझे एक कॉपी डिफरेंट मिलेगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा या कुछ स्पेशल लिखा होगा या अलग तरीके से लिखा होगा, सो डेफिनेटली आई विल बी इंक्लाइन टू अवॉर्ड अ लिटिल मोर मार्क्स।
टू दैट पर्टिकुलर कॉपी. सो ये आई थिंक सब कुछ प्लानिंग का पार्ट आता है. सो मे बी कभी अगर कुछ बड़ा टाइम मिला सो आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल इन एन ऑर्डरली मैनर. बट जो मेरा प्लानिंग से मैटर मतलब है वो यही है कि आपको हर चीज के बारे में पता करना है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और उन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना होगा. सर, जो प्लानिंग से आपने समझाया कि प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करें, और सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना है, मॉक टेस्ट से आप क्या सीख रहे हैं, और सेकेंड चीज जो मेंस में आंसर राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है. मैं पहले प्रीलिम्स से शुरुआत करना चाहूंगी. आपने कहा कि दिन पे दिन प्रीलिम्स, और हम भी ये देख रहे हैं कि इट्स गेटिंग टफर डे बाय डे. आपके लॉजिकल रीजनिंग, आपने जो भी पढ़ा है, एप्लीकेशन किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, वो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वाइजली आना चाहिए. मॉक टेस्ट से हम कैसे सीख सकते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग करना? सो अगर हम पेपर वन की बात करें प्रीलिम्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, इट इज ऑल अबाउट हैबिट्स कि मैं जब अपना टेस्ट अटेम्प्ट करता था, सो आई एम पर्सन जो आई थिंक थोड़ा रिस्की साइड में था, बट आई ऑलवेज यूज टू अटेम्प्ट अराउंड 97-98 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100. बट मैंने पहले इतने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होते थे कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इन एनी केस आई विल बी क्रॉसिंग माई कट ऑफ इजिली. तो होता क्या है कि जब आप 97-98 कर रहे हैं, सो हाउ डिड आई यूज टू टेक माई टेस्ट, कि पहली बार में मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को करता था जिनमें मैं श्योर था, लाइक 100% श्योर. बट आई नो कि उनमें भी गलत होंगे, बट मुझे लगता था कि मैं श्योर हूँ. सो आई यूज टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन. बाकी सारे क्वेश्चन मैं एक अपने पेज पे ऊपर लिख लेता था बाद के लिए. सेकेंड टाइम में आई यूज टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन जिनमें मैं कम से कम एक ऑप्शन दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, सॉरी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ. अगर ऐसा होता था तो उस केस में मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था. तो उसके बाद क्या होता था, मैं हर स्टेज में अपनी एक्यूरेसी चेक करता था आफ्टर द मॉक टेस्ट, कि जिन क्वेश्चंस में मुझे लगा कि मैं 100% श्योर हूँ उनके अंदर मेरी एक्यूरेसी कितनी है. जिनमें मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ या सिर्फ दो ही एलिमिनेट कर पा रहा हूँ उनमें मेरी एक्यूरेसी कितनी है. तो मुझे हर लेवल पे एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी और अपनी जो एक्यूरेसी थी उसका एक आइडिया था कि अगर मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मिनिमम इतने मार्क्स तो आएंगे ही. एंड फिर इस चीज को मैंने रिपीट किया अक्रॉस 45 टेस्ट पेपर्स. जब मैंने देखा और एक पैटर्न एमर्ज होने लगा कि चाहे मैं कैसे भी करके इफ आई एम अटेम्प्टिंग 95 क्वेश्चंस, सो आई विल बी गेटिंग मोर देन 105 और 110 मार्क्स. सो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा. जब मैं एक्चुअल प्रीलिम्स में गया तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये डिफरेंट पेपर है. आई थॉट कि जैसे मैं घर पे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ वैसा ही एक और पेपर है, मुझे उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है. तो पहली बात नर्वसनेस खत्म हो गई कि नया पेपर आ गया, या ये तो यूपीएससी है, ये तो बड़ी चीज है, या ये स्पेशल दिन है. आई एंडेड दैट थिंग कि इट इज नॉट अ स्पेशल डे, आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग अनदर टेस्ट जो मैं से घर पे कर रहा था. सो उसकी वजह से मेरी नर्वसनेस खत्म हुई. और सेकेंडली मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा या मैं इतने कोई एजुकेटेड गेस लगाता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी कितनी है. सो उसने मुझे हेल्प करी क्वेश्चंस करने में. तो मुझे ये नहीं लगा कि पेपर टफ है तो इतने करने हैं, पेपर टफ नहीं है तो इतने करने हैं. सो आई हैड ट्राइड ऑल द सर्कमस्टेंसेस एट होम. सो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बहुत ही हैबिचुअल हो गया और वो आउट ऑफ हैबिट हुआ जो एक्चुअल पेपर में हुआ. सो आई थिंक दैट इज वन वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स, इफ आई एम यू नो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली. आई एम श्योर, और ये बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा कि हम हमेशा मॉक टेस्ट के जो इम्पोर्टेंस है, रेलिवेंस, उसकी बात करते हैं. बट जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना एक आप पैटर्न अपने लिए आप खुद एनालाइज कर सकेंगे, इम्बाइब कर सकेंगे, और जो एक्चुअल डी डे है उसमें यू कैन परफॉर्म एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑल दीज टाइम्स. सर, दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो एग्जामिनेशन का है वो मेन्स आंसर राइटिंग है. उसको आपने इस बार बहुत इम्प्रूव किया था अपने फिफ्थ अटेम्प्ट में. सर, किस तरीके से अपने आंसर्स को अलग बनाएं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इंफॉर्मेशन नॉलेज तो सबके पास ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन अलग कैसे बनाया जाए आंसर राइटिंग का? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी सर्विस में था, टाइम कम था, इस बार भी कोविड टाइम थे, तो आई थिंक हार्डली 2.5 months वी गॉट फॉर द प्रिपरेशन फॉर मेंस. और केमिस्ट्री, बिकॉज मेरे इस बार भी ऑप्शन में बहुत अमेजिंग मार्क्स नहीं आए हैं, मेरा मुझे लगता था कि मुझे ज्यादा वर्क वहां करना है. सो पहली चीज मुझे पहले से पता था, अगेन नोइंग योर वीकनेस, मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है मेंस के लिए पढ़ने का. सो दिस टाइम बिकॉज 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी होने के बाद मैंने अपनी सफिशियंट नॉलेज गैदर कर ली थी. सो आई थॉट कि लेट अस डू समथिंग डिफरेंट. सो मैंने कहा कि इस बार मैं आंसर लिखने पे ज्यादा फोकस करूंगा या आंसर राइटिंग पे ओवरऑल फोकस करूंगा इंप्रूव करने पे, रादर देन गेनिंग मोर नॉलेज. सो उसमें मैंने क्या इंप्रूव किया कि पहले आई यूज टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स एंड जस्ट पॉइंट्स,
आई डिडंट यूज टू इंक्लूड एनी डायग्राम, आई डिडंट यूज टू इंक्लूड एनी फ्लो चार्ट. इस बार मैंने डेलिबरेटली ट्राई किया कि पहले तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक साथ 20 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, बिकॉज वो दिन कभी नहीं आता कि आप 20 क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं. सो आई मेड अ हैबिट. बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, एंड आई थिंक जो एस्पिरेंट इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, आई कैन रिलेट विद देम कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना आंसर राइटिंग, बिकॉज डेली लगता है कि अभी तो आप रेडी नहीं है, कल से लिखेंगे. सो आई फाइनली मेड अ डिफिकल्ट चॉइस कि मैं 2 या 3 आंसर डेली लिखूंगा. आई स्टार्टेड विद 2-3 डेली, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ जब मेरा मेंस आने वाला था, आई वॉज राइटिंग ऑलमोस्ट 5-6 आंसर्स डेली. तो उससे क्या हुआ कि मैंने कॉन्शियसली, चाहे मुझे टाइम एक्स्ट्रा लगा, बट मैंने कॉन्शियसली ट्राई किया कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सो फर्स्ट आई एम इंक्लूडिंग सम डेटा, चाहे मुझे थोड़ा सोचना पड़े, एक्स्ट्रा टाइम लगे. सेकेंडली आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड सम डायग्राम, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द फ्लो. ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे हर क्वेश्चन में बुलेट पॉइंट में खत्म हो रहा है. आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरा हर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लगे उसे, या बाकी लोगों से डिफरेंट लगे. सो मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा लगाया स्टार्टिंग में कि मैं डेलिबरेटली फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, चाहे वो रैंडम लगे. अगर मैं कुछ आंसर कॉपी आपको कभी दिखाऊंगा बाद में, तो कुछ आपको ऐसे लगे जो बिल्कुल ही आई थिंक यूजलेस भी होंगी, बट दैट वॉज एन एक्सपेरिमेंटेशन फेज कि मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ भी करके आई हैड टू मेक अ डायग्राम और आई हैड टू मेक अ फ्लो चार्ट, कि वो हैबिट में आए. सो विद टाइम क्या हुआ कि मेरे दिमाग में वो सबकॉन्शियसली बैठ गया कि जैसे ही क्वेश्चन आ रहा था, आई वॉज एबल टू थिंक ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूंगा कि सोलर पैनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेंस में इस बार, सोलर एनर्जी से रिलेटेड. तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, उसमें आई डोंट थिंक इट वॉज नीडेड एट ऑल, बट आई स्टिल मेड अ डायग्राम ऑफ द होल यू नो ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कि हाउ सन से लाइट आने के बाद में वो पैनल पे पड़ती है, एंड देन हाउ इट इज ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड. आई डोंट नो उसके कोई मार्क्स मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, बट दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि मैंने कुछ जो फ्लो है वो ब्रेक किया है, आई डिड समथिंग डिफरेंट. मे बी एग्जामिनर का ध्यान तो जाएगा, शायद उसके मार्क्स ना मिले, बट उसका ध्यान तो जाएगा. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. ऐसे ही मैंने एक अर्बन फ्लडिंग का एग्जाम्पल था. सो अर्बन फ्लडिंग का एग्जाम्पल आई थिंक सबको आता है, इट इज नथिंग स्पेशल अबाउट अर्बन फ्लडिंग, बट मैंने पहले से ही कुछ चीजें प्रिपेयर करके रखी थी. सो आई मेड अ होल फ्लो चार्ट जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, और वो आंसर मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू दिया, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली उसका फर्क पड़ा होगा. सो जो आंसर राइटिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने जो तरीका था आंसर लिखने का, वो मैंने चेंज करने की कोशिश करी, और काफी हद तक मैंने कुछ टॉपिक्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी करी. जब आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि क्या टॉपिक इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो काफी ऑब्वियस होते हैं, वो सारे एस्पिरेंट्स को पता होते हैं. सो आई ट्राइड टू प्रिपेयर सम रेडीमेड आंसर्स, एंड आई ट्राई टू रिपीट द सेम थिंग जो मैंने मॉक के लिए बोला, प्री के लिए, कि मैंने ट्राई ये किया कि उसको हैबिट बनाया जाए, कि अगर वो हैबिट बन जाएगा तो यू विल बी एबल टू रिक्रिएट इट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. समय इस पे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी. आपने जैसे कहा कि आप प्रेडिक्ट कर सकते थे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत ही न्यूज में है तो मोस्ट ऑफ टाइम्स वो आ जाती है मेंस में. तो किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, और क्या थीम लेकर प्रेडिक्ट करना है, बिकॉज हो सकता है जो आपने पढ़ा हो वो नहीं आए, बट उससे मिलता जुलता जरूर आए. See, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल आई थिंक देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन करंट अफेयर्स. डेली आपकी न्यूज़पेपर भी आ रहा है, फिर उस न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी अवेलेबल है. सो अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, एंड आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर कौन सा ऐसा बहुत ही बर्निंग इशू है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जो टॉपिक्स नॉट कम्प्लीटली बट आई वॉज एबल टू प्रेडिक्ट, एक अर्बन फ्लडिंग था जिसका आई हैड अ रेडीमेड आंसर. देन वन वॉज ऑन WHO, बिकॉज कोविड टाइम था, एंड बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक क्लियरली मेंशनड पॉइंट है सिलेबस के अंदर, एंड WHO बिकम्स रेलेवेंट इन टाइम्स ऑफ कोविड. सो आई थिंक दैट वॉज ऑब्वियस, जिसमें फर्स्ट टाइमर या फिफ्थ टाइमर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी इजी थिंग टू प्रिडिक्ट. थर्ड इज फार्म लॉज, या जो फेडरेशन से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे कि GST कंपनसेशन का इशू था और फार्म लॉस का इशू था, वो भी बहुत ही बर्निंग था. तो कोई भी ऐसा स्पेशल टॉपिक नहीं था जहां मैंने कुछ अपना सिक्स सेंस यूज करके प्रेडिक्ट किया हो. मुझे लगा कि वो बहुत ही न्यूज में चल रहा है और शायद पूछा जा सकता है. सो व्हाट आई डिड डिफरेंटली वॉज कि ये टॉपिक में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, और बहुत टॉपर्स ने किया भी होगा डेफिनेटली, एंड अच्छे मार्क्स भी आए होंगे. लेकिन मैंने क्या किया कि जो मुझे लगा कि ये टॉपिक पूछा जा सकता है, आई ट्राई टू प्रिपेयर एन आंसर ऑन दैट. बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको नॉलेज भी होती है, बट वो नॉलेज पूरी दिमाग में होती है सिर्फ, और बहुत ही हैपेजर्ड होती है कि आपको एक पॉइंट इसका पता है, एक पॉइंट उसका पता है, बट यू हैव नॉट रिटन डाउन इट ऑन अ पेपर. वॉट आई ट्राई टू डू कि अगर मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको एक A4 शीट पे या दो A4 शीट पे आई ट्राई टू राइट इन आंसर फॉर्मेट, कि मुझे पता था कि मेरे पास दो
साइड मुझे मिलने वाली है, तीन साइड मिलने वाली है एक्चुअल पेपर में। सो मुझे उतना मटेरियल प्रिपेयर करना है अगर आ जाए तो, जिससे कि मैं दो या तीन साइड भर पाऊं। सो इन टॉपिक्स में मैंने वो ट्राई किया जो बहुत ही बर्निंग थे। तो फर्स्ट टाइमर्स को अगर ये बाई चांस लगता है कि ये तो एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको पहले से पता होता है, तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, और न्यूज़पेपर में जिनमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं या गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, आप उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से ना पूछा जाए। यू कैन नेवर एक्चुअली प्रिडिक्ट व्हाट इज यू नो यूपीएससी गोइंग टू आस्क। ये तो सिलेक्शन होने के बाद या आईएएस होने के बाद बोल देना बहुत आसान होता है, बट इनिशियली अगर आप बात करें तो सारे एस्पिरेंट की कंडीशन सेम होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मे बी आप 6-7 टॉपिक बना लें, अगर कुछ आ जाए तो दैट्स वेरी वेरी गुड, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर कि जो अभी अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं उनको ये चीजों से बहुत हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट करना है, हो सकता है उसमें से नहीं भी आए, बट यू विल बी एटलीस्ट प्रिपेयर्ड अगर वो आ जाते। सर, हम सेशन के एंड में आ चुके हैं। हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्जामिनेशन की बात की, मॉक टेस्ट को किस तरीके से समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, मीन्स आंसर राइटिंग में अपने आप को किस तरीके से अलग दर्शाना है, छोटे छोटे पॉइंट से आप कुछ फाइनल वर्ड्स टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? तो अभी जो लोग प्लेन्स क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, आई थिंक मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस बार जो ऑप्शनल था, आई हैव गॉट 224 मार्क्स, व्हिच इज आई थिंक वेरी वेरी पुअर मार्क्स इन ऑप्शनल, एंड आई थिंक अगर वहीं पे 270 280 होते तो आई माइट हैव बीन इन टू टॉप 50 आई गेस। सो व्हाट पुश्ड मी इन द लिस्ट वाज माय जीएस मार्क्स एंड एसए मार्क्स। आई हैव गॉट 146 इन एसए, जो आई थिंक इस बार के ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द हाईएस्ट हैं, एंड इन जी एस ऑल्सो आई गॉट 400 प्लस। सो जो मैं बोल रहा हूँ वो बस मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल आप उसको करके देखें, आंसर राइटिंग पे फोकस करें, नॉलेज आपको है, प्लीज स्टार्ट राइटिंग आंसर्स आज से ही। डो नॉट वेट कि मैं 20 आंसर्स जब मेरे रेडी हो जाएंगे तब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा या करूंगी, आज से ही आंसर लिखना स्टार्ट करें। एंड यू डू नॉट नीड एनीवन टू इवेल्युएट योर आंसर, अगर आप पे टाइम नहीं है तो अपने आंसर्स खुद इवेल्युएट करें, खुद से सोचें कि आप कितने मार्क्स देंगे और अगर इसमें और मार्क्स इंप्रूव करने हैं सो हाउ टू चेंज दैट। इंक्लूड डेटा, इंक्लूड डायग्राम, इंक्लूड फ्लो चार्ट, इंक्लूड बस अपने आंसर को डिफरेंट करिए कि बाकी जो 10-15 कॉपी आ रही है एग्जामिनर से उससे डिफरेंट कैसे हो। डिफरेंट का मतलब आपको कुछ रैंडम डायग्राम नहीं बना के आ जाने, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। वही मैं बोलूंगा कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एग्जीक्यूशन। सो प्लानिंग प्रॉपरली करिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस, और जितने भी लोग मेंस लिखने वाले हैं मेंस 2021 के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि सर ने जैसे स्ट्रैटेजी बताई अपनी और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर भी किया है जीएस में 400 प्लस, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच सर, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ एंड गुड लक।